अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। 2 दिन नागे के बाद, 2 दिन के एक दिन के बाद मैं वापस आई हूँ। इंज लगता है पता नहीं मैं किन्ने दिन हो गए ने। मैं असल में ना उस सफ़र च जो तुम जाते हो ना, तो रबता वैसे कट हो जाता वे, तो उतू वैसे ही कट हो गया से। इंज ही लगता पता नहीं किन्ने दिन बाद मैं तेरे मुलाकात कर आई हाँ। तो अभी यहाँ से मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी जो लेके थे, मेरे मुझे सिर्फ एक दिन शॉपिंग के लिए मिला था। मैंने कहा चलो जो जो मेरे हथी चढ़ता ना मैं ले आऊँ। बड़े सियाने मेरे मियाँ, उन्होंने मैंने टाइम ही नहीं दिता कि मैं ज़्यादा उन्होंने खर्चा उत्तर कर सकता। एक एक गलों तो सही सी, स्ट्रैस नहीं है, इंतजार नहीं करना पाया कि इन्ने दिन रह गए जान दे, इन्ने दिन रह गए ने और ये भी लेना है वो भी लेना है। तो कुछ लिया नहीं मैंने, जो छोटी छोटी चीज़ें बस तोहफे के तौर पे ना, बस उनको खुश करने के चक्कर में कि मैं आई हूँ। ये तो मैंने अपनी चप्पल लेनी है, किसी ने मुझे बोला था चप्पल तो उधर से भी मिल जानी, आपने क्यों ली? यहाँ से मैं लेके जाती हूँ, उसके साथ पैर नहीं थकते। ये पायल लेके आई हूँ अपने, मुझे पायलों का बड़ा ही शौक है, डैशमेंट से लिए, सेल लगी थी, मैंने कहा चलो ब्लैक भी नहीं होगी ये ले जाती हूँ। चलो जी, बाकी चीज़ें ये सुटने या पैक करने हैं, हजे असं वजन वजन किया साड़ा, तैनू पता शिफ्ट इधर इस बैग चुका के थोड़ा जहा उधर, उस बैग चुन निकाल के थोड़ा सा इधर, तो हमारी इधर उधर की जो टाइम है ना वो ही बड़ा लगता है। तो अभी मेरा वेट जो ना थोड़ा इस बड़े में बैग में हो गया ज़्यादा। तो मैं आई हूँ कतर एयरलाइन में, तो इसकी जो सर्विस है ना बड़ी अच्छी रही। जर्मनी से लेके दोहा तक मेरा था जाने का, 2 घंटे का स्टे है मेरा, तो काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। अभी तो मैं इनका वेट वुट करके पहले बैग से तैयार कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बोला भी था जब आप जाएंगे कि सारा हमें बताना कितने की टिकट है, कितना सफ़र था, कैसा इनकी खाना, कैसा ये वो, तो वो मैं जब जाऊँगी शेयर करूँगी आपके साथ। अभी तो मैं ये कर लूँ ना, अभी मैंने छोटा सा पाउच बना लिया इसके अंदर रखने के लिए, ताकि जो तुम इधर उधर पहुँचो ना थोड़ा जहा टचअप करने के लिए, अपना फेस को साफ करने के हम पहुँच गए ना, सुती शक्ल लैके तुम अभी बाहर आ जाए, थानू कोई पहचान ही ना। तो ताले निकाल लिए हैं, ताले के ऊपर मेरे नाम लिखा हुआ है 2 नंबर 3 नंबर, चाबियों का भी 2 नंबर 3 है। और अपने मियाँ को बोला है कि ऊपर से बैग लेके आए, अभी बैग लेके आएंगे, उनका मुंह देखना इतना आसान चाड़ के चीज़ काम कर देना। तो मुझे ये कितने बारी मैं तो उठा के नहीं ना ले सकती, तो इनकी ड्यूटी है 2 ही बैग एक छोटा ले, देखे मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। जब ये जाते ना इनका और ही म्यार होता है, और जब कोई जाता है फिर और म्यार हो जाता है। नहीं मजाक कर रही हूँ, बड़ा किया इन्होंने मेरे साथ, मुझे भेजे ना मेरे लिए वही बड़ी बात है। तेरे लिए कोई थोड़ा जहा भी कर देना, उन्होंने याद करना चाहिए, उन्हें एप्रीशिएशन एप्रीशिएट करना चाहिए, ताकि अगले साल फिर तुम कर लेना। अगर तुम ची ची चू चू नुकते जिनी कभी ना, तो समझो तुम छुट्टी तेजे कोई तुम तोहफे नहीं मिलने, तो ये बड़ा अच्छा हो गया मेरे लिए। हाय, आज तो मुझे सांस ही चढ़ गया, पता नहीं की हो गया मैं ना, तो क्या हाँ मैं थोड़ा सांस ले लवा फिर मैं ना आपसे बात करती हूँ। तो उस टाइम मेरे सामने बैठे थे, मैं तुम्हें कह दी हाँ, खैर सामने बैठे होते आप तो मेरे दिल में है, सामने क्या दिल में बैठे हैं। चलो जी हूँ चलने क्या कहते हैं, गड्डी से बहिए, बच्चे दोनों जो है ना वो स्कूल में है, और लुकमान उनको लेके ना आ जाएगा, तो वो अपनी गाड़ी में अभी हम जा रहे हैं, अम्मी जी हमारे साथ हैं। तो अभी हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते मुझे बड़ी टेंशन होती है कि जाना होता है ना, मुझे तो वैसे ही किसी के घर जाना हो तो मैंने नींद नहीं आती, उत्तों में पाकिस्तान जाना सी, तो मैं अपनी भी नींद खराब की, दूजे ने भी खरीदी, ताकि मैं टाइम से उत्थे पहुंच जावा, मेरा वेट हो जाए। अपने फर्स्ट टाइम जाना है, और वो ही बड़ी स्ट्रेस है, पेट में घूं घूं होता है, घूं घूं होता है कि मैंने कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है। तो अल्लाह खैर करे, जाना तो है ही है ना, जब बंदा कहते हैं ना डर खौफ जो है ना ख़त्म करना चाहिए, वो हमारे हाथ में होता है, तो वो मैं ख़त्म करने जा रही हूँ कोशिश करके, कि मैं एक बार ये ख़त्म करा वेखा की निकलता वे की डर की खौफ है। तो खैर यहाँ से 1 मिनट ठहरे तरह मैं आती हूँ, होल्ड करें, इधर ही रहना जाना नहीं कहीं। मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट पे, मैंने आपको बोला इधर ही रहना जाना नहीं कहीं, जान जी तुम तुम इंजे लगता ब्रेक लै के, तुम ब्रेक तो बाद लियावगी नहीं, मैं नाल ही रहना वे तुम्हें। तो वैसे मैं अपने वालों थोड़ी पोनी खोनी करन लगी, सब बड़ी गर्मी लगन दी है। तो एयरपोर्ट पर पहुंच गए, तो यहाँ पे हम लुकमान को फ़ोन करने लगे हैं कि पूछें बच्चे कितने रह गए ने। मेरा दिल का था बस इकट्ठे हो जाए और मैं इनको मिलकर छूँ करके अंदर चली जाऊँ, ना बोते बच्चे मेरे पास रहे ना मेरा दिल ख़राब हो, लेकिन कोई नहीं। तो अभी यहाँ हम पहुँच गए हैं, विशाल फटाफट जो बैग है ना वो निकालने लगे, उसको मना कर रही हूँ, बाबा निकालते हैं, बहरहाल फिर भी उसने एक बड़ा सा पकड़ के ले गया छोटा, मैं रख रही हूँ, बाकी फिर बाद में मियाँ मेरे बाहर निकाल के ना रखेंगे। तो अभी थोड़ी देर खड़े रहेंगे ताकि बच्चों का वेट कर लें, उनको फ़ोन करने लगे हैं, पूछते हैं कि कहाँ रह गए हैं। जे तो बच्चे पहुँचने वाले हैं, फिर मैं इंतजार कर लेने हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम लुकमान। ओहो विशाल, क्या हो गया, चक्कर आ रहे चक्कर? मैं बाबा रखते हैं, क्यों कर रही हो? मैंने बाबा रखते हैं ना, बिन्नू बन्ने ने सिर पीड़ना होवे ना दे राह च, मतलब कि गवाचन ना, तो मेरी नज़र रवे मेरे पैगा उत्ते, बच्चों फोन कर दें जे तो बच्चे आते हैं तो अभी फिर इंतजार कर लीए।
ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਚਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲਓ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚਲ ਅੱਛਾ ਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਵੋ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਲਾਖ ਲਾ ਤਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੋ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਤਾ ਬਤਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਲਗਾ ਦੀ ਐਵੇਂ ਬਸ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਨਕਾ ਯੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੈਨ ਕਰੇ ਜਬ ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਕਰਨੇ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਤੋ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਆਏ ਤੋ ਫਿਰ ਅਭੀ ਹਮ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਅਬ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਬ ਫੈਮਲੀ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਹਾ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਾਲੇ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ A1 ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 20-20 ਕਿਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈਗਸ 7 ਕਿਲੋ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 19 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਲਾ ਨਾ ਪੜੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਆਫੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਫਾਨ ਕਹਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੈਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੂਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੰਮੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨੀ ਲੈਣਾ ਓਏ ਬਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਬਸ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਰੁਲਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਓ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਿਰ ਗਈ ਥੇ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਤੋ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਸਕੋ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ 2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਬੱਚੂ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਸਪੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਲਣੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਉਹ ਖੇਲ ਖੁੱਲ ਲੇਗੀ ਉਤਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਵੇ ਤੋ ਮੈਂ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਊਂਗੀ ਨਾ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬਾਅਦ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਸਟੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਯਹਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਇਨਕੋ ਖਲਾਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਅੰਦਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਥਾ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਥਾ ਖੈਰ ਚਲੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।